अगर आप मैट्रिक या इंटर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन आपका आईडी पासवर्ड नहीं मिला। किन कारण से आपका आईडी पासवर्ड नहीं मिला, कैसे मिलेगा, ये पूरी प्रक्रिया हम ऑफिशियल नोटिस के द्वारा आपको बताने वाले हैं। मैट्रिक इंटर में जो भी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास किए उसको प्रोत्साहन राशि यानी कि छात्रवृत्ति सरकार बिहार सरकार प्रोवाइड करती है फर्स्ट डिवीजन वालों को। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये मैट्रिक से हैं या इंटर के हैं तो आपने इस पोर्टल पे कल्याण की मेधा शॉप की पोर्टल पे आपने आके रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैट्रिक इंटर दोनों के बारे में, कैसे आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। ये 100% आपको जो जानकारी मिलने वाली है अभी, वो जो ई कल्याण के अधिकारी है उनके तरफ से जो भी हमें डिटेल दिया गया है वो डिटेल के अनुसार हम आपको बताने वाले और दिखाएंगे भी आपको वो डिटेल। तो जानेंगे पूरी प्रक्रिया कैसे आपका आईडी पासवर्ड मिलेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कितने दिन में आपका आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटर मैट्रिक दोनों के लिए मैं आपको इसी वीडियो में एक ही वीडियो में दोनों को कवर किया हूँ। तो चलिए हमेशा की तरह गुजारिश करते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बारे में मैंने बोर्ड से पूछा था, यानी कि इनके जो विभाग है, जो भी ई कल्याण जो भी मेधा सॉफ्ट को कंट्रोल करते, जो भी इनके विभाग है अधिकारी, मैंने उनसे मेल करके उनसे पूछा था इनका जवाब। तो हमें मेल में उनके द्वारा रिप्लाई आ चुका है। तो मैंने विभाग से पूछा था कि इनका जो जो स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन कर रहे उनको आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है लेकिन उसको आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, इन बातों का मैंने इनके सामने साझा किया था, मैंने इनसे पूछा था। तो उन्होंने हमें रिप्लाई दिया और क्या क्या बताया वो भी आप देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने मेल में लिखा है लिंक इज एक्टिव, अप्लाई करने का लिंक एक्टिव है। यहाँ पे दिया गया 12 स्कॉलर यानी 12th का जो स्टूडेंट जो 12th पास कर गए हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया गया, जो सिर्फ गर्ल को मिलेगा, यानी कि 12th में सिर्फ गर्ल को ही, सिर्फ लड़की को ही ये प्रोत्साहन राशि। तो यहाँ पे 12th में जो सिर्फ गर्ल के लिए उसका जो लिंक यहाँ पे हमें दिया गया है, ये लिंक हम भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। उसके बाद यहाँ पे 10th के लिए मैट्रिक के लिए दिया गया, मैट्रिक में यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल यानी कि लड़का लड़की दोनों को यहाँ पे प्रोत्साहन राशि मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इंटर में सिर्फ गर्ल के लिए और मैट्रिक में बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए, और दोनों का अप्लाई लिंक मुझे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। साथ साथ यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए वीडियो का लिंक भी दिया गया है, इस वीडियो का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। साथ साथ यहाँ पे बताया गया पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, ये वही डिटेल है जो आपको इस पोर्टल पे मिलने का, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसे आप रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं या पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट पे भी ये डिटेल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बैंक खाता विद्यार्थी के नाम से होना चाहिए, अनिवार्य है, यानी कि जो भी अकाउंट लगेंगे वो स्टूडेंट का नाम का होना चाहिए, अन्यथा आप दूसरे का अकाउंट देंगे तो आपका पेमेंट जो है पैसा जो वो नहीं आएगा। और संयुक्त खाता भी मान नहीं है, यानी कि ज्वाइंट खाता भी यहाँ पे आपको मान नहीं है, स्टूडेंट का सिंगल खाता हो यहाँ पे होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे इन्होंने लिखा है एडिट नॉट पॉसिबल इन दिस फॉर्म, एडिट नॉट पॉसिबल इन दिस फॉर्म आफ्टर सबमिशन, यानी कि आप जब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, यानी कि फाइनल सबमिट करने से पहले आप कभी भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा तब आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन्होंने लिखा है ओनली 2021 पास एड बिहार बोर्ड, जो बिहार बोर्ड से 2021 में पास किए फर्स्ट डिवीजन से उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और यहाँ पे बताया गया जिनका नाम है वेबसाइट पे उन्हीं का एप्लीकेशन भरा जाएगा, जिनका नाम नहीं है उनका एप्लीकेशन नहीं भरा जाएगा। नाम कैसे चेक कर पाएंगे आपका नाम है कि नहीं, अगर आप मैट्रिक से हैं तो आप मैट्रिक वाले इस वेबसाइट पे आएंगे, एक कल्याण की मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के इस पे लिस्ट में नाम जानने के लिए, आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं है, आप मैट्रिक के लिए हैं तो आप मैट्रिक के स्टूडेंट आप इस पे आएंगे, अगर आप इंटर का स्टूडेंट इस पे आएंगे, दोनों का पोर्टल अलग अलग, दोनों का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। मैट्रिक के तो मैट्रिक की वेबसाइट पे आएंगे, नीचे स्कोर डोर करेंगे, यहाँ मिलेगा चेक योर नेम, इस पे आपको क्लिक करना है। इंटर के वेबसाइट स्टूडेंट है तो फिर इसका आपको इंटर वाली वेबसाइट पर आना होगा, यहाँ पे आपको चेक योर नेम की लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने 12th या मैट्रिक किया, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज विद्यालय होंगे सभी कॉलेज के विद्यालय के नाम आ जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्यू बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे व्यू बटन में क्लिक, इसी तरह आपको नाम चेक करना मैट्रिक इंटर का, सेम आपको इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें आप स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे दिखने को मिलेगा, अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये मैंने इंटर का निकाला, आप मैट्रिक का निकालना चाहिए तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है कि चेक योर नेम इन लिस्ट, उसके बाद यहाँ पे भी लिंक दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है
और नाम ऐड नहीं होता इस लिस्ट में, जिसका नाम नहीं है उसका नाम ऐड नहीं होगा। ये सारा लिस्ट बिहार बोर्ड ने सेंड किया है, ये जो लिस्ट है ये बिहार बोर्ड ने सेंड किया था इनको, ये अधिकारी को। तो वो क्या किए, वो उस लिस्ट को इस वेबसाइट पे चढ़ा दे। इस लिस्ट पे अगर आपका नाम है तो आवेदन कर सकते हैं, अगर नाम नहीं है तो नाम कोई ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया नाम ऐड नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में इन्होंने बताया, ये पूरा रीड कर लीजिए, इसको हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे बताया कि इंटर मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल सभी छात्रों के लिए खुला है, ये वर्तमान में सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को जो पास किए उन्हीं के लिए है। ये जो आवेदन लिया जा रहा है ये शिक्षा विभाग के मैट्रिक या इंटर के छात्रवृत्ति विज्ञापन के अनुसार ये आवेदन लिया जा रहा है। एक छात्र को एक ही छात्रवृत्ति मिल सकता है, एक ही बार छात्रवृत्ति मिल सकता है एक छात्र को। और यहाँ बताया कि आधार कार्ड में छात्र का नाम आवेदन के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, एक अनोखा मोबाइल नंबर या छात्र अपने परिवार का मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रही पंजीकरण के लिए, छात्र अपना ईमेल आईडी या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का ईमेल आईडी को यूज किया कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा बैंक डिटेल वो छात्र का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, देख सकते हैं रेड कलर में, आधार कार्ड और मार्कशीट और बैंक अकाउंट में आपका पूरा नाम स्पेलिंग सेम होना चाहिए। यानी कि आपका आधार कार्ड जो है और आपका जो मार्कशीट है 10th या 12th का और आपका जो बैंक अकाउंट सभी में आपका नाम सेम होना चाहिए। स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो आपका ये आईडी पासवर्ड नहीं होना आएगा। तो यहाँ पे बता दिया गया कि यानी कि तीनों में आधार कार्ड और मार्कशीट और बैंक अकाउंट में तीनों में नाम आपका सेम होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक होगा तब यहाँ पे आईडी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर होना चाहिए, अगर गलती है कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तब यूजर आईडी नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि आधार कार्ड मार्कशीट और बैंक अकाउंट में आपका स्पेलिंग सेम होना चाहिए तब यूजर आईडी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ क्लियर कर दिया, आधार कार्ड में नाम और मार्कशीट में नाम और बैंक अकाउंट में नाम अगर सेम है तभी आपका आईडी पासवर्ड आएगा, नहीं तो आपका आईडी पासवर्ड नहीं आएगा। तो देख लीजिए आपका जो बैंक अकाउंट उसमें जो नाम है और जो भी आपको सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटर का उसमें जो नाम है जो आपके आधार कार्ड में अगर सेम है तब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड आ जाएगा। अगर नहीं आता है तब आप हमें बताइए कॉमेंट करके। अगर एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक है तो फिर भी आपका आईडी पासवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अपना आईडी पासवर्ड आप इस वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट पे आएंगे और गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। गेट यूजर आईडी पासवर्ड क्लिक, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आपका जो आईडी पासवर्ड आपको शो कर दिया जाएगा अगर आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाता है तो। और इस मेल के साथ इन्होंने दो डॉक्यूमेंट को अटैच किया, एक यूट्यूब वीडियो को अटैच किया और एक यहाँ पे जेपीजी को अटैच किया है, तो हम इसे भी आपको दिखा देते हैं। उस मेल के साथ ये एक जेपीजी भी उन्होंने अटैच किया, तो यहाँ पे वही वेबसाइट पे जो लिखा वही चीज यहाँ पे भी है। और साथ साथ यहाँ पे दिया गया ये आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपका डिटेल सही मिलता है तो इसमें 10 से 12 दिन का समय लग सकता है, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होने में 10 से 12 दिन का समय लगेगा। यानी अगर आपका नाम तीनों जगह पे सेम है तब तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 से 12 दिन में आपका जो आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल आईडी पे मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। उम्मीद करेंगे ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो और ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे इंटर के लिए स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन करके पूरी चीज़ आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड भी मिला था मुझे, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया और अप्लाई करके फाइनल सबमिट करके हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, मैट्रिक इंटर दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है।